बदनावर विधानसभा से कांग्रेस विधायक भावर सिंह शेखावत को शासकीय कॉलेज के जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष विवेक पाटीदार ने 1 करोड़ का मानहानि का नोटिस जारी किया है। बता दें कि विधायक भावर सिंह शेखावत ने कॉलेज में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए विवेक पाटीदार को मंत्री जी का चपरासी कह दिया था, जिसे लेकर सियासत गरमाई हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव। बदनावर विधानसभा क्षेत्र सामान्य तौर पर काफी शालीन मानी जाती है, लेकिन कभी कभी यहां के राजनेता अपने व्यक्तित्व के आधार पर, अपने बयानों के आधार पर इस विधानसभा सीट को चर्चित बना देते हैं, और ऐसा ही एक कार्य किया है यहाँ के विधायक भंवर सिंह शेखावत ने। जी हाँ, भंवर सिंह शेखावत जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें जन भागीदारी अध्यक्ष विवेक पाटीदार पर तमाम तरीके के आरोप लगाए गए। हमारे साथ विवेक पाटीदार जी हैं, आइए चर्चा करते हैं और जानते हैं इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, इन्हें कई अमर्यादित और अपशब्दों से भी संबोधित किया गया है। नमस्कार विवेक पाटीदार जी। नमस्कार। बदनावर में यहाँ के वर्तमान विधायक भंवर सिंह शेखावत जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करी, और उस पर आप जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष 80 लाख के भ्रष्टाचार के आरोप लगे, क्या कुछ कहेंगे? पवन जी, सबसे पहले तो एमपी न्यूज़ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। और रही बात भ्रष्टाचार के आरोप की, तो वो सरासर निराधार है। माननीय विधायक जी को वरिष्ठ तो है, पर उनको इतना भी नहीं पता है कि समिति के नियम क्या है। मेरे पास कोई वित्तीय अधिकार नहीं है, ना कोई चेक पावर है, पर उनका सिर्फ एक ही काम है, झूठ बोलना। अभी कुछ समय पहले आप ही के न्यूज़ चैनल में एक इंटरव्यू उन्होंने दिया था, उसमें उस रेल कंपनी का भी उन्होंने बोला था कि 30-40 महिलाएं कंपनी से गायब होंगी, उसका भी उसके पास आज तक कोई प्रमाण नहीं दिया। सिर्फ उनका एक ही मकसद होता है कि भाजपा सरकार और पूर्व उद्योग मंत्री दत्तीराव जी द्वारा जो भी फैक्ट्री और विकास कार्य किए गए उनका विरोध करना। पर उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो फैक्ट्रियां बदनावर विधानसभा में लग रही है, इससे कितना अपने क्षेत्र का विकास हो रहा है। मतलब डायरेक्टली तो यहाँ पर रोजगार मिल ही रहे हैं, जैसे 2000 महिला जेल फैक्ट्री में काम कर रही है, पर इनडायरेक्टली भी हमारे क्षेत्र में व्यापार बढ़ रहा है। जैसे मान लें कि फैक्ट्री द्वारा 3 करोड़ रुपए कुछ सैलरी के साथ महीने की लोगों में बढ़ती है, तो वो सैलरी का जितना पैसा वो लोग कहाँ खर्च करेंगे, अपने ही क्षेत्र में करेंगे, यहीं पे रोटेशन होगा। मान लीजिए कोई दूर ले रहा है सब्जी ले रहा है, कोई मकान का किराया ले रहा है, तो सारा पैसा अपने यहीं पर रोटेट होगा। पर ये चीज़ों से उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो सिर्फ मतलब है झूठ बोलना और बस, इसके अलावा उन्हें कोई काम नहीं है। और इसी वजह से बदनावर विधानसभा सालों साल पीछे चले गए हैं। और आप बोल रहे हैं कि वो जो उन्होंने अपशब्द से उपयोग किए, वो उनके संस्कार हैं, मैं उसके लिए क्या बोलूँ। उनका पहले भी से रहा है, हमेशा वो ऐसा ही करते हैं। पहले हमारे पूर्व विधायक खेमराज जी पाटीदार और जो वरिष्ठ पाटिल समाज के हमारे ईश्वरलाल जी, उनके लिए भी बहुत अपशब्द उपयोग किए हैं, और ऐसे ही वो बहुत सारे लोगों को टिप्पणियाँ करते रहे। और रही बात मेरी, मुझे उन्होंने चपरासी कहा, हाँ तो मैं पूरी विधानसभा का चपरासी और चौकीदार हूँ। जब कोरोना काल था तब माननीय उद्योग मंत्री द्वारा सैनिटाइजर और मास्क वितरित किए गए थे, तो उसको हमने पूरी विधानसभा के एक एक गाँव में जाकर हम लोगों ने वितरित किए, और साथ ही पूरे भाजपा परिवार ने और सेवा ही संगठन के माध्यम से काम किया। तब भगत सिंह जी कहाँ थे? तब उनको बदनाम की चिंता नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना। और इतना साल 8 महीने हो गए आपको विधायक बने, आपने क्या विकास करें बदनावर? मैं फिर बोल रहा हूँ कि बदनावर सालों साल पीछे चले गए। जो वर्तमान विधायक है भंवर सिंह शेखावत जी, उन्होंने आपको जो अपशब्द कहे उनको लेकर आपने न्यायालय के माध्यम से उनको नोटिस भेजा है मानहानि का 1 करोड़ रुपए का, तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? जी, मैंने उनको 2 तारीख को नोटिस भेजा, पर आज तक उनका कोई जवाब नहीं आया। उनके पास क्योंकि कोई जवाब ही नहीं है, कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है। तो ये विवेक पाटीदार जी है जो कि बदनावर जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष है। इनका कहना है कि भंवर सिंह शेखावत जी जो कि वर्तमान के विधायक है, उन्होंने इनके लिए अपमर्यादित शब्दों का उपयोग किया था, जिसको लेकर इन्होंने न्यायालय के माध्यम से उन्हें मानहानि का नोटिस भेजा है। अब मानहानि का ये नोटिस और भंवर सिंह शेखावत जी का ये बयान राजनीतिक गलियारों में क्या गुल खिलाएगा, ये तो आने वाला समय तय करेगा।